नमस्ते, वेलकम टू मॉम्स फ्लटर ऑफ लव। आपने तो इंट्रो में देख लिया है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। बट इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए झटपट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो स्टार्टेड। आज हम चाट और भेलपूरी के लिए यूज किए जाने वाली पापड़ी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है मैदा। मैदा यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप, 250 ग्राम के करीब है मैदा। साथ ही हम लेंगे आधा चाय चम्मच नमक, साथ ही लेंगे अजवाइन 1/4 चम्मच, साथ ही लेंगे घी लेंगे यहाँ पर 2 बड़े चम्मच, साथ ही थोड़ा सा पानी। तो आइए सबसे पहले आटा लगाने के लिए हम एक बड़ा सा परात ले लेते हैं। इसमें हम ले लेंगे मैदा को। थोड़ा सा जगह बना लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें नमक। अजवाइन को आप डायरेक्ट ना डालकर थोड़ा सा क्रश करके डालें। इस तरह से हथेलियों के बीच में रखकर क्रश करके आप अजवाइन को डालें। साथ ही आप डालें घी। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब अच्छे से मसलते हुए इन सभी को आप गूंदते जाएं। इसे तब तक गूंदना है जब तक घी और मैदा एक दूसरे के साथ मिल नहीं जाता। जब इस तरह से मैदा बांधने पर बनने लगे तो समझ जाइए आपका मोयम एकदम सही लगा है। तो अब आती है आटे को लगाने की बारी। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटे को इस तरह से गूंथते जाएंगे। एक ही बार में ज्यादा पानी आप ना डालें, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। आपको नमक पारों के जैसे ही आटा लगाना है, ना तो सख्त ना तो नर्म, इसलिए सावधानी से पानी डालें। नमक पारों के जैसा ही इसका आटा लगाना है आपको। देखिए आटा लग चुका है। तो आइए गीले कपड़े से मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तो हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, आटा एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो आइए इसे 2 मिनट तक हम मसल मसल के फिर से गूंद लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है। तो आइए हम इससे पेड़े काटेंगे। हमें बड़ा बड़ा पेड़ा काटना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से बड़ा बड़ा पेड़ा काटेंगे, क्योंकि हमें इसे रोटियों की तरह ही बड़ा बड़ा बेलना है। पहले हम रोटियों के आकार का बड़ा बड़ा बेलेंगे, उसके बाद छोटी छोटी पापड़ी इसे काटेंगे। तो पहले इसे हम बेल लेते हैं। अब जितना बड़ा बेल सकते हैं उतना बड़ा बेलें, और जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला कर लें। एक ही साइड में आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, सभी साइड में आपको इक्वली बेलना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से सेम आपको करना है। देखिए इतना पतला आपको बेलना है, आप चाहे तो इससे भी पतला बेल सकते हैं। तो आइए एक फोक के हेल्प से हम इसमें छेद बना लेते हैं, और एक कटोरा या किसी ढक्कन के हेल्प से आप इसे काट ले। आप चाहे तो कुकी कटर के हेल्प से भी काट सकते हैं। जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा लेते हैं। अब पापड़ियों को मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। चलिए इसी तरह से सभी पापड़ियां हम बना लेते हैं। पहले रोटी के साइज का हमें इसे बेलना है, उसके बाद इससे छोटी छोटी पापड़ियों को काटकर अलग कर लेना है। सेम प्रोसेस में बेलते जाएं। जब ये एकदम पतला हो जाए तब फोक के हेल्प से छेद करके किसी कटोरे या ढक्कन के हेल्प से इसे काट ले। बने हुए पापड़ियों को मैं एक प्लेट में सजाते जा रही हूँ। इसी तरह से चलिए सभी को बना लेते हैं। देखिए मेरी सभी पापड़ी बनकर रेडी है। तो आइए अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर गैस में कढ़ाई को चढ़ाकर रखा है। अब हम तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद अब एक पापड़ी को डालकर चेक करेंगे कि तेल सही से गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए तेल एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे एकदम मीडियम पर, और मीडियम फ्लेम में ही हम सभी पापड़ियों को फ्राई कर लेंगे।
मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करने से ज़्यादा अच्छे से पापड़ी फ्राई होगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो थोड़ा सब्र रखकर आपको पापड़ियों को फ्राई करना है। ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे तो पापड़ी एकदम कच्ची रह जाएंगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसलिए मीडियम फ्लेम में ही धीरे धीरे इसे आप फ्राई करते जाएं। फ्राई करते करते जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसे निकाल लेंगे। इसे थोड़े से लाइट में ही निकालें क्योंकि ये बाद में डार्क हो जाती है। देखिए पापड़ियां फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से बचे हुए पापड़ियों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम में ही मैं सभी पापड़ियों को सेम प्रोसेस में फ्राई करते जा रही हूँ। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा लेकिन अगर आप सब्र रखेंगे तो पापड़ियां भी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो चलिए हम इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए मेरी सभी पापड़ियां फ्राई हो चुकी है, तो आइए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करने से पहले मैं आपको दिखा लेती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए कितनी मुरमुरी है, लग रही है ना एकदम बाजार वाली खास्ता पापड़ी। तो आइए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये पापड़ी आप किसी भी चाट में डाल सकते हैं। पापड़ी चाट में ये बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। पापड़ी चाट के लिए मैंने तो आपको आज पापड़ी बता दी है, आप भेलपूरी में भी इस पापड़ी को यूज कर सकते हैं। ये पापड़ी एकदम खास्ता बनी है और एकदम कुड़कुड़ी मार्केट जैसी। आप इसे जितना पतला बनाएंगे ये उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। आज तो मैंने आपको पापड़ी की रेसिपी बताई है, मैं इसके साथ ही आपको पापड़ी चाट की भी रेसिपी बताऊंगी। साथ ही भेलपूरी की भी रेसिपी जल्द ही हमारे चैनल में अपलोड हो जाएगी। अगर आपको आज की मेरी मम्मी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आमादेर चैनलेर संगे एमनी थाको, आमादेर सपोर्ट करो। थैंक यू।